स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी क्लास 7 में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाने थे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आइडेंटिफाई द टर्म्स Take office in for each of the following expression। यहाँ पर कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे, आप उसमें से आपको बताना है कि कौन सा टर्म्स है, कौन सा कोएफिशिएंट। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है 5xy^2 − 3z^1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें से हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में जो है टर्म्स कितने हैं और कोएफिशिएंट इसमें कौन है। ठीक है, तो टर्म्स जो इसका हो गया वह है 5xyz^2। डॉक्टर ब्रेस में एक ये है और एक ये। ठीक है, डॉक्टर ब्रेस में पहला टर्म ये हो गया एंड सेकंड टर्म आपके लिए इसमें −3z^y। मतलब हमारा टर्म पूछा था पहले इसमें फाइंड टर्म्स, पहले क्या था इसमें टर्म्स होता है, ये टर्म्स क्या हो गया 5xyz^2 और दूसरा क्या हो गया −3z^y। आप इसको ये भी बताया है कि आपको कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, कोएफिशिएंट जो है कोएफिशिएंट इसका हो गया 5xyz^2 = 5। देखो इसमें पूछा गया है ये जो टर्म्स दिया उसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट याद रखिएगा कोएफिशिएंट जो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में जो दिखेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में जो नंबर फॉर्म में दिखेगा वही क्या है कोएफिशिएंट है। तो देखो इसमें कितना था 5, तो 5 एंड −3yz −3। अब इसमें कितना है, इसमें कोएफिशिएंट कितनी है, इसमें कोएफिशिएंट हमें दिखाई दे रहा है कितना है −3 है, कोएफिशिएंट बता दे कितना है −3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बराबर बता देना चाहते हैं, आई रेड आपको क्वेश्चन दे दिए है। ठीक है, यू कैन द क्वेश्चंस इन द फाइंड आउट टर्म्स एंड द कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट टर्म्स इज द, तो देखते हैं कि टर्म्स उसमें कितने पद हैं। ठीक है, इसमें 1, 2 और हो सकते हैं 3, 4, 5। ठीक है, ये टर्म्स कहलाएंगे कोएफिशिएंट। हो गया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका कांस्टेंट होता है वही कोएफिशिएंट होता है। ये देख रहे हैं ना आप, ये तो वेरिएबल है, ये क्या है कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट 5x^2 = 5xyz^2 ये कितना है 5 था, इसमें कितना −3 था, आपको ही बताना है। ठीक है, कि कोएफिशिएंट कितने और टर्म्स कितने हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो हमारे पास है वह है 1+x + x^2। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें टर्म्स कितने हैं, आपको पता चल गया कितना टर्म्स है। तो टर्म्स इसमें कितने हो गए 3 हो गए, टर्म्स कितने हो गए 3। आपको इसमें टर्म्स कितने हो गए, इसमें 3 है 1x and x^2, ये टर्म्स हो गए ना इसमें। इसी तरह कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज वन। देखिए इसमें क्या है कि ये एक्स है और ये क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम आपको तो बताया थे कि ये एक्स स्क्वायर एक्स है और ये एक्स स्क्वायर देख रहे ना, ये एक्स और एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट भी बताना था, तो कोफिशिएंट जो है हम देखते हैं यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कोई नंबर हमें एक्चुअली नहीं दिखाई देता, लेकिन वन जो होती है वो होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं ना एक्स लिखते हैं तो वन होता है। ठीक है, वो भी नंबर में अपने आप में होता है। ठीक है, तो एक्स एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया वन। तो ये क्वेश्चन हमने बता दिया, दो क्वेश्चन बाकी आपको होमवर्क में होमवर्क भी पूरा कर लेना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। बुक तो सबके पास है, बुक देख लीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसमें बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल्स बायनोमियल्स ट्राइनोमियल्स विद पॉलीनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज टर्म्स कैटेगरी। आपको यहां पर कुछ टर्म दिए रहेंगे, जैसे कि ये जो है क्वेश्चन नंबर टू का कुछ हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे जो हैं इस तरह से हैं, पहला है x प्लस y, सेकंड है थाउजेंड, उसके बाद जो है x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ठीक है, उसके बाद जो है 7 प्लस 5 प्लस 5 एक्स है, उसके बाद 2y माइनस 3y स्क्वायर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहां पे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आप लोग भी देखिएगा उसमें और भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वहां से आपको कर लेना है, हम यहाँ पूरी तरह से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा जो है इसमें मोनोमियल्स है, कौन बायनोमियल्स है, बिनोमियल्स है और कौन ट्राइनोमियल्स है और कौन पॉलीनोमियल्स है। तो हम देखते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम पहले चेक कर रहे इसमें टू टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें वन टर्म्स है, इसमें इसमें जो है फाइव फोर टर्म्स, इसमें कितने हैं, इसमें थ्री टर्म्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें टू टर्म्स। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें बतानी है आंसर, चेक करना है इसमें। तो पहला मेरा क्या था, पहला हमारा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमारा पहला। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई आपको दिखाई दे रही है, कॉन्टेंस टू टर्म्स। हमने भी बताया था कि जो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कितने टर्म्स हैं, हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था कि कितना यहां पर दो है, यहां पर टू टर्म्स हमने नोट किया। ठीक है, देयरफॉर इट इज, तो दो टर्म वाले जो होते हैं उसे कहा गया है बायनोमियल्स।
बिनोमियल्स, ठीक है, टू टर्म्स इसमें रहेंगे उसे बिनोमियल्स। ये कितने हैं भाई, इसे वन है, तो वन वाले को हम क्या कहेंगे, तो वन वाले को जो है क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है ये मोनोमियल्स है, ये क्या है, मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स हो गया, ये इसमें कितने हैं, हम चेक करते हैं कि इसमें कितना, टू, देखिए टू है, ये क्या हो गया, बिनोमियल्स हो गया, इसमें कितने हैं, फोर है, तो जैसे ही तीन से ज्यादा हो जाए उसे हम पॉलीनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं भाई, इसमें तीन है, कितने हैं, इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि जिसमें वन टर्म शो, कितने वन टर्म्स, इसे मोनोमियल्स, इसमें टू टर्म्स हो, इसमें टू टर्म्स हो उसे बिनोमियल्स, इसमें थ्री टर्म्स हो ट्राइनोमियल्स, इसमें तीन से ज्यादा हो यानी मोर देन थ्री इन टर्म्स कॉल्ड ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है टू को भी आप समझ गए होंगे, तो इसमें हमने ज्यादा नहीं तीन चार ही लिए हैं, आप पूरा कर लेंगे इसे, ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन थर्ड है है, लेकिन आपको ये इसमें ये देखना है
कि हमारा जो है ये दोनों मैच कर रहा है नहीं तो कर रहा है, तो एबी में से एबी चला गया, यानी ये पॉजिटिव है ना एबी और ये क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव गया, एबी में से एबी हट गया तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कुछ नहीं बचा। अब हमें दिख रहा है माइनस बी एक्स है, क्या माइनस बी एक्स हमारा फिर है क्या, नहीं कहीं नहीं है, हम क्या करेंगे जो नहीं, तो देखिए माइनस बी एक्स हो गया लिख दिए, बीसी कहीं है क्या, बीसी तो कहीं नहीं है सिर्फ सी है, बीसी प्लस है ना, प्लस हम उसे नोट कर देंगे बी सी, और देखते हैं इसमें माइनस सी ए और प्लस सी ए है, यानी सी ए में से सी ए हट रहा है, क्या हो गया यहां कैंसिल हो गया ना, ये क्या हो गया कैंसिल हो गए, हमें लगता है यहां सी था बी सी था ठीक है, यहां सी होगा ठीक है, तो बी सी बी माइनस और बी सी प्लस माइनस कैंसिल हो गया ये पूरी तरह से, यानी आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया जीरो, क्या बच गया जीरो, तो वैल्यू जोड़ने पर भी कितना आया जीरो आया ठीक है। इससे चाहे तो एक और तरीका है उसी बताते हैं, क्या हमारा है बस ए बी लिख देंगे ए बी माइनस बी सी ठीक है, उसके बाद ये टर्म्स देखते हैं कॉमा के बाद अलग क्या है बी सी माइनस सी ए, क्या है बी सी माइनस सी ए, तो बी सी प्लस में है ना, देखिए यहां प्लस में दिखाई दे रहा है प्लस बी सी माइनस सी ए, पहला टर्म्स हो गया, उसके बाद क्या होगा फिर तीसरा में देखते क्या सी ए कौन सा साइड में है प्लस में प्लस सी ए और माइनस क्या है ए बी, तो माइनस क्या लिख देंगे ए बी, अब इसे हम जोड़ देंगे ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए ए बी प्लस है और ए बी क्या है यहां माइनस है, तो ए बी में से ए बी गया जीरो बच गई, उसी तरह से बी सी में से बी सी गया जीरो बच गया, सी ए में से सी ए चला गया जीरो बच गया, हमने बताया था आइडिया कितना आ गया था आपका जीरो आ गया, तो चलिए इसका आंसर कितने हो गया हमारा जीरो हो गया ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हम लिखते हैं यहां, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है ए बी नहीं ये ए माइनस बी और प्लस ए कॉमन है b माइनस सी प्लस बी सी प्लस बी सी कॉमन है c माइनस ए प्लस ए सी प्लस ए सी, हमने भी बताया था दो मेथड्स बताई थी, तो फर्स्ट से बी से बता देते हैं कि जहां जहां कॉमा यूज की गई है वहां क्या यूज कर रहे हैं प्लस यूज करनी है, चलिए हम लिख देते हैं a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, चलिए हम ब्रैकेट हटा दे, ब्रैकेट हमने इसीलिए यूज किया कि आपको पता चले कि जहां जहां कॉमा यूज की गई वहां प्लस है, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस b माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, हमने भी लाइक टर्म्स की बात किए थे ठीक है, लाइक टर्म्स ए देखिए ए कहीं है क्या है, ए पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है कैंसिल हो गई, उस पर क्या माइनस बी कहीं है क्या, यहां पर दिख रहा है प्लस में ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस ए बी है, ए बी है क्या नहीं है, तो जो नहीं मैच करता है वो हम लिख ए बी हो गया, उस पर माइनस सी यहां है कहीं है क्या प्लस माइनस ए बी कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा हमारा बी सी प्लस बी सी
साइन प्लस एसी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी सॉल्यूशन हो गया, उसी को हम सेकंड मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सेकंड तो हमारा है लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी, जो मैं जो लाइन टर्म्स होगा उसके सामने सामने लिखनी है, ठीक है। b माइनस प्लस है ना, प्लस b माइनस c, ठीक है, प्लस bc, उसके बाद क्या है c प्लस c माइनस a माइनस ए, ठीक है, प्लस क्या है ए सी। अब यहां पर देखते जोड़ते हैं, ये प्लस और ये क्या है माइनस है, यानी कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, उसमें क्या है ये माइनस है प्लस है, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गई, ये प्लस और माइनस सी ये भी कैंसिल हो गया, बच गए क्या इसमें से, तो आपको चेक करना है क्या बचा एबी, बी कैसे बची है प्लस बीसी, इसमें क्या बची है प्लस एसी, देखिए ये आपका आंसर, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से भी इसे तो आपको जो अच्छा लगे उसे अप्लाई करिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि ये विधि बताइए, ठीक है, आप किसी भी मेथड से दोनों मेथड में से कोई मेथड आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम तो इसका जो है डी का पूरा क्वेश्चन, जैसे कि तो हमने बता दिया, ठीक है, उसमें कौन क्वेश्चन है आपको 4 है, तो उसमें बनानी है और नोट्स आपको यही से करनी है, ठीक है।